ये पप्पी यहाँ सड़क के किनारे चारकोल में फंसा हुआ था। बेचारा यह पप्पी मौत की कगार पर था, क्योंकि इसकी वजह से ये ना हिल पा रहा था और ना ही कुछ खा पा रहा था। इस पप्पी के बारे में पता चलते ही एनिमल रेस्क्यू करने वाले एनिमल एड संस्था के भले लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक पप्पी नहीं बल्कि 3 से 4 पप्पी इस हालत में जूझ रहे हैं। रेस्क्यूअर टीम उन सभी पप्पीज को अपने साथ संस्था में ले जाती है और एक खास तेल से इस चारकोल को नरम करना शुरू कर देती है। काफी समय तक तेल से घसने के बाद चारकोल के बड़े बड़े टुकड़े निकलना शुरू हुए। कई बार इन बेचारे पप्पीज को तेल से साफ किया गया, जिसके बाद जाकर इनकी त्वचा दिखनी शुरू हुई। बहुत मशक्कत के बाद चारकोल तो पूरी तरह से साफ हो गया, जिसके बाद इन पप्पीज को खाना और आराम की जरूरत थी। 3 दिनों का समय लगाकर इन भले लोगों ने इन पप्पीज को अच्छे से स्वस्थ किया, जिसके बाद सारे पप्पीज अच्छे से चल फिर पा रहे थे और खा भी रहे थे। किस्मत से इनकी मम्मी को भी ढूंढ लिया गया और इस परिवार को एक अच्छी जिंदगी दी गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर क्या सीख मिली कमेंट करके हमें जरूर बताएं।